Hello students, I'm the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says describe any three methods for preparing assets. तो इस question में हमें बोला गया है कि हमें तीन method specify करने हैं जिनको हम use करके assets को prepare कर सकते हैं. Right? तो assets को हम different methods से prepare कर सकते हैं. So let us discuss the three methods. So let us write it down. The three methods that we can use are, the first method what we can use is that hum direct react कर सकते हैं. अब आपको पता है कि हमारे पास बहुत से एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे पास HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो हम इनको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl को बनाने के लिए मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को रिएक्ट कर सकती हूँ, तो उसको उससे मुझे क्या मिल जाएगा, आई गेट दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. राइट? तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, दी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दी एलिमेंट्स. हमने किस तरीके से प्रिपेयर किया, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दी एलिमेंट्स. हमने उनको डायरेक्टली कंबाइन किया जिस तरीके से वो एग्जिस्ट करते थे और हमें क्या मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऐसे ही हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिसॉल्विंग द नॉन मेटल ऑक्साइड इन वाटर. लेट्स से मुझे अगर सल्फ्यूरस एसिड बनाना है तो मैं SO2 को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आई विल गेट द सल्फ्यूरस एसिड. दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. राइट? तो मतलब अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डालते हैं तो हमें पता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है उनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक. तभी वो पानी में घुलने के बाद क्या प्रोड्यूस करती हैं, एसिड. तो दूसरा मेथड हो सकता है, दैट इज वी कैन हैव द एसिड्स बाय रिएक्टिंग नॉन मेटल ऑक्साइड्स. लिख लेते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स को आप पानी के साथ रिएक्ट कर दीजिए. सो रिएक्टिंग नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर हमें एसिड्स मिल सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा. थर्ड, वी कैन हैव द एसिड्स बाय रिएक्टिंग द सॉल्ट विद वाटर, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करके. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सॉल्ट है NaCl, मैं अगर इसको हाइड्रोलाइज करूं, मतलब इसको पानी के साथ रिएक्ट करूं या पानी की प्रेजेंस में इसको तोड़ूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक तो बेस बनेगा और एक एसिड बनेगा. तो एसिड को बनाने का तरीका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट भी हो सकता है. तो हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से भी बन सकते हैं. तो ये तीन मेथड्स है हमारे. तो सम अप कर लेते हैं, तो पहला मेथड हमने पढ़ा कि फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को डायरेक्टली कंबाइन किया और उन्होंने हमें एसिड दिया. दूसरा मेथड था बाय रिएक्टिंग द नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर, बाय रिएक्टिंग नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर. और थर्ड है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को पानी डाल के हमने ब्रेक कर दिया. दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.